हाँ जी, गुड मॉर्निंग। तो भाई, एक और दिन आज हमें स्पेंड करना है नामचे बाज़ार में। उसका रीज़न ये है कि साहिबा के पैर अभी ठीक नहीं है। उसको जो नी पेन हो रहा है, उसको सजेस्ट किया है कि एक दो दिन का रेस्ट ले। ये सजेस्ट तो ये कि एक हफ्ते का रेस्ट लेना चाहिए, लेकिन वो कह रही है एक दिन और फिर हम चल लेंगे। एंड मुझे क्या करना है, पहले आज धोने अपने कपड़े। ठंडा पानी था भाई बहुत गजब। मैंने ना नी कैप पहन लिया क्योंकि मुझे घुटने में थोड़ी दर्द सी हो रही है, और मैंने ऑर्डर करी है वेजिटेबल चॉप सी जस्ट फॉर अ चेंज। लेट्स सी कैसा टेस्ट होता है, और ब्रेकफास्ट करके एक दो घंटे का और रेस्ट करेंगे क्योंकि आज ये रेस्ट डे ही है। एक्लिमेटाइज तो हम कल हो चुके हैं। वो जो यहाँ का कॉन्सेप्ट होता है ना, हाइक हाई स्लीप लो, वो हम कम्प्लीट कर चुके हैं, वो हम अपना चुके हैं, और वो टास्क कम्प्लीट हो चुका है। अब मैं करूँगा मस्त ब्रेकफास्ट चॉप सी, एंड हम जाएंगे मार्केट, शायद थोड़ा सा कैश विड्रॉ करेंगे, एंड आगे रूम में रेस्ट करेंगे। और आज का कुछ टास्क नहीं है, सिर्फ रेस्ट ही रेस्ट। दादी माँ। हाँ जी। जी बेटा, तबीयत कैसी है आज? तो घुटनों में थोड़ा दर्द है, आई थिंक सो लेफ्ट वाला में थोड़ा ज़्यादा दर्द है। देन जब मैं नीचे आ रही हूँ, राइट में थोड़ा बेटर है, बट हाँ पेन है। तो आई एम टेकिंग अ डे ऑफ, दवाई खाऊंगी मैं अपनी, मलहम लगाऊंगी, एंड इंशाल्लाह कल बिल्कुल हम ठीक ठाक चलेंगे। एटलीस्ट ठीक ठाक चलें, तीन घंटे बाद दर्द आ जाए बताए। फाइनली कुछ अलग आज ऑर्डर किया मैंने, वेजिटेबल चॉपसी में कैरेट, मशरूम, अनियन, ये तो गजब टेस्टी है भाई। हमने कहीं ना कहीं प्लान बना लिया था कि चलो यार आधे रास्ते पहुंच जाते हैं टैंक बोचे के, और फिर आधा रास्ता कल कवर कर लेंगे। कल थोड़ा ज़्यादा चल लेंगे तो फिर हम लबूचे पहुंच जाएंगे, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि आज हो रही है बारिश, और कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ आज बारिश ही हो रही है और सारा क्लाउडी हो गया है। यहाँ का मौसम यार बिल्कुल ही अनप्रिडिक्टेड है, मतलब हर 5 मिनट में कुछ भी हो सकता है। अभी जब हम निकले थे तो प्रॉपर ज़बरदस्त सन था, मतलब पूरा ब्राइट था, और अब देखो ज़रा पीछे इट्स ऑल क्लाउडी। तो मैं करें तो क्या करें, एक दिन ऐसे ही वेस्ट जाएगा। ठीक है, साहिबा को रेस्ट मिल जाएगा, एंड हम कुछ एक्सप्लोर कर लेंगे मार्केट। तो आज का इस वक्त का मेरा टास्क क्या है, मार्केट आए हैं और हम ढूंढेंगे ATM, थोड़ा सा कैश विड्रॉ और करना है। अगर ज़्यादा दिन रहेंगे तो ज़्यादा पैसे भी चाहिए, तो वो कर लेंगे, वो तो सेकेंडरी चीज़ होगी। और अभी प्राइमरी क्या है कि हम इस ईट स्मार्ट फूड कैफ़े में जा रहे हैं, कुछ ढंग का खाएंगे। आज मैं सोच रहा हूँ कुछ अच्छा ही खाऊंगा, पिज़्ज़ा बर्गर टाइप, क्योंकि इसके बाद नहीं मिलने वाला वो ये चीज़ है। इसके बाद दाल भात से काम चलाना है, तो अभी ये ठूस लेता हूँ और चलता हूँ, देखता हूँ, ऑर्डर देता हूँ क्या ऑप्शन अवेलेबल। मैं हूँ ईट स्मार्ट कैफे में, जो खाना बहुत ही फेबुलस था। तो I'm with the owner, Tenzing. Tenzing, यार तुम यार सारा सामान लाते कैसे हो? So like the big stuffs and everything. So we like there are two ways how we like bring all the stuffs and everything. One way either like we bring it through big helicopter, so which lands in Sangboche. From Sangboche like it's all you know like people who brings out here. And the next thing is like it's through heli ceiling like helicopters and everything. They hang stuffs down there and they land to helipad, again from helipad to hotels and everything. Porter brings the Porter are the, you know, like they are the real ones. You know, porters, I realized like how tough their job is when I saw them carrying that heavy luggage. Exactly. I think whatever they've been paid for, I feel that's less. And exactly. Do not negotiate. Come here, spend, and make sure these people earn good because they deserve. Yeah, exactly. Look at the services that they're providing, and look at the area where they're providing all this. So, hats off to you guys. Thank you very much. You're doing a great job. Thank you very much. Best of luck. I'm at ATM. Let's see. अगर ये मेरा कार्ड एक्सेप्ट करता है ATM, तो मैं थोड़े से पैसे विड्रॉ कर पाऊंगा। प्लीज इंसर्ट योर कार्ड एंड वेट, चांसेस हैं कि चल जाए। चूज योर लैंग्वेज, इंग्लिश। भाई ट्रांजेक्शन तो बार बार फेल हो रही है, और मैं अब अटक गया हूँ इस बारिश के चक्कर में। बड़ी तेज़ बारिश हो रही है पीछे देखो यार, और ठंडी भी बहुत ज़्यादा हो रही है। जब तक ये नहीं रुकती मैं कहीं नहीं जा सकता। अरे यार
यहाँ पे कैश विड्रॉ करना बहुत बड़ा मुसीबत है यार। मैं अपना जो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन थी वो भी इनेबल करके आया था। हम तरीका देखते हैं यहाँ पे हीटिंग कैसे होती है। ऐसे होता है, देखो ऐसे होता है, ऐसे। मैंने बताऊँ कैसे, मतलब काउ डंग डालते हैं इसमें। वो भी डलता है वैसे? डलता है, बट नॉट हियर। नॉट हियर मतलब मे बी ऑन टॉप। भाई कुछ ऐसे अपने कपड़े सुखा रहे हैं हम यहाँ पे, जैसे हाउ वी गोना ड्राई आवर क्लोथ्स जस्ट नियर दिस oven, what do we call this? Chimney? Oven. Oven, chimney, जो भी है. That should work. Yeah, it should be working for us. मेरी टी-शर्ट ये रही सुबह, जितनी मैंने. Because with this rain and the humidity, it would have never dried. Yeah, absolutely. जितनी मैंने सुबह गीली करी थी ना धो के, उससे ज़्यादा गीली थी अभी, तो मैंने सोचा सिखाई दे. ये भाई एक अच्छा सूख रहा, मेरी टी-शर्ट सूख रही. Good job, buddy. गुड जॉब। सो एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा कि अगर आप इंडियन हैं, अपना कार्ड लेके आए हैं, तो यहाँ पे नहीं चलेगा आपको डेबिट कार्ड. यू से डिस्प्यूट गोइंग ऑन बिटवीन इंडियन एंड नेपाली गवर्नमेंट, दैट्स द रीजन? बट एग्जैक्टली कार्ड का जो इंटरनेशनल वो हमारा ना पीछे लिखा होता है नॉट वो, ओके वो तो नेवर, बट इंटरनेशनल तो आपका भी चलना चाहिए. बसड़ होती जा रही है भाई. अब मुझे पैक करना है सामान. आप रूम की हालत देख सकते हो, तीनों के बेड कितने बिखरे हुए हैं. मुझे अब सुबह 6:30 निकलना है, मतलब 6 बजे उठना है, आधे घंटे में रेडी होना है, निकलना है. सुबह नहाऊंगा तो नहीं ऑब्वियसली मैं, लेकिन सामान पैक करने में लगेगा थोड़ा सा टाइम, और ब्रेकफास्ट करके निकलना है. कल हम ट्राई करेंगे तिंगबोचे ना जाके पेंगबोचे चले जाएँ, उधर से 2 घंटे का और रास्ता है. अभी आज के दिन का करते हैं यहीं पे एंड. मैं जा रहा हूँ सोने, एंड मैंने ले लिया अभी डायमॉक्स. तो यहाँ पे जब हो एल्टीट्यूड सिकनेस ना हो, तो इसके लिए हाफ डायमॉक्स सुबह और हाफ डायमॉक्स रात को ज़रूर लेके सोएं. बाकी अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कर लें कि कितनी रिक्वायरमेंट आपकी बॉडी को है. तो भाई गुड नाइट, अब मिलते हैं आपसे कल सुबह जब हम निकलेंगे पेंगोचे के लिए.